ये मर्जिश के लिए पसंद कर लेते हैं, और ये मर्जिश के लिए। जी बच्चों की ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए कपड़े लेने के लिए, पसंद कर रहे हैं, बच्चों की पसंद के हिसाब से कपड़े ले रहे हैं। भाई ये ब्लैक वाली पोनिया निकाल के दिखाएं बच्चों के लिए, ये मोती वाले जिसमें स्टार्स और मोती बने हुए फूल लगे हैं। 40 रुपये एक क्या देखो ये कितने का है? ये भी 40 का एक पैकेट है। बेटा रुको तो, जी कपड़े बच्चों के ले लिए मैंने, चूड़ियाँ पोनियाँ वगैरह भी ले लिए, इनकी छोटी मोटी शॉपिंग हो गई है। इस दफ़ा ईद पे एक एक सूट ही लेके दे रहे हैं, और बच्चों के जूते लिए, और मैं अपने और इनके बाबा जानी के हमने बिल्कुल भी नहीं लिए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, सिर्फ बच्चों के ही पूरे किए हैं। हमने सोचा चले ईद का एक दिन है, बच्चे तो खुश होने चाहिए, इसलिए मैंने अपने और मर्जिश के बाबा जानी के नहीं लिए। और जो हादी मेरा है बेटा, वो मंगता है हज़रत इमाम जाफ़र सादक के नाम का, तो हम उसे मांग के कपड़े पहनाते हैं। 2 साल की उम्र तक हमने उसे घर से कपड़े कुछ भी नहीं लेके देना, तो इसलिए उसका सूट भी मैं कपड़े वाली दुकान पे गई थी तो वहीं से लेके आई हूँ, और दर्जन को सिलाई करने के लिए दिया हुआ है, और उसको भी मैंने सिलाई वगैरह नहीं देनी। उसको मैंने बताया भी ये हमारे मंगते का सूट है तो आपने सिलाई करके देना है। तो लोग बड़ी अच्छे तरीके से हमारे साथ यानी कि ये वक्त जो है गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हर माँ बाप को नेक बेटियाँ और बेटा अता करे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बेटे की कमी थी तो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, बड़ी मन्नतों वाला है। आप भी हमारे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा मेरे बहन भाई साहब। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी कपड़े माशाल्लाह हो रहे हैं शीलिंग, सिलाई करने से पहले शीलिंग करनी होती है, तो कपड़े मैंने शीलिंग करके ला दिए हैं तार पे। छोटी बेटी का भी रहता है शीलिंग करने वाला, वो मैं कर रही हूँ। कपड़े शिलिंग करके मैंने डाल दी थी।